క్యారెక్టర్ వదిలేయటం అంటే ప్రాణాలు వదిలేయటమే. చావు రాక ముందు చచ్చిపోవడమే. वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में. तो दोस्तों, जब से ना पेरू सूर्या रिलीज हुई है तब से कमेंट में सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है कि ये फिल्म हिंदी में रिलीज होगी या नहीं. तो दोस्तों, अगर आपके दिल में भी यही सवाल है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं इस मूवी के हिंदी डबिंग से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी खबर, वो भी बिल्कुल प्रूफ के साथ. तो दोस्तों, कल शाम को मूवी के फर्स्ट डे कलेक्शन के आने के बाद मूवी के प्रोड्यूसर्स ने एक प्रेस मीटिंग रखवाई थी, जहां पर उन्होंने सभी मीडिया वाले और सभी मेगास्टार फैमिली फैंस का शुक्रिया अदा किया. आधे घंटे चले इस प्रेस मीट में उन्होंने इस मूवी के हिंदी रिलीज और इस मूवी के इंटरनेशनल रिलीज से जुड़ी एक बात कही. आप पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, मैं इसका मीनिंग आपको फिर बताता हूँ. తీసుకొచ్చినందుకు చాలా గర్వంగా ఉంది. దీన్ని తమిళ మలయాళం వాళ్ళు ఆదరిస్తున్నప్పుడు ఇంకా గౌరవంగా ఉంది. అండ్ ఓన్లీ థింగ్, నెక్స్ట్ ఐ హావ్ టు బన్నీ ఈ సినిమా ద్వారా కాంకర్ చేయాలి. హిందీ బెల్ట్ కి డబ్బింగ్ కార్యక్రమం పూర్తయిని ఈ సినిమా ద్వారా కాంకర్ చేయాలి. హిందీ బెల్ట్ కి డబ్బింగ్ కార్యక్రమం పూర్తయిని. तो दोस्तों, यहाँ पर मूवी के प्रोड्यूसर्स ने ये कह दिया है कि ना पेरू सूर्या की हिंदी डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और वो इस फिल्म को जल्द ही सही टाइम देखकर रिलीज करने वाले हैं. तो यार, यहाँ पे ये एक बहुत ही बड़ी खबर है कि इस मूवी की डबिंग पूरी हो चुकी है. मतलब प्रोड्यूसर्स अभी भी पूरे प्लान में है इस मूवी को हिंदी में रिलीज करने की. पर अब यहाँ पे जो मेन बात निकल के आती है वो ये है कि इस फिल्म को वो कब रिलीज करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने इस फिल्म को इस महीने में रिलीज नहीं किया तो फिर आने वाला जो जून का महीना है वो काफी ज्यादा पैक नजर आ रहा है, क्योंकि जून के महीने में दो बड़ी फिल्में बॉलीवुड और साउथ मार्केट में रिलीज होने वाली है. वो दो फिल्में हैं, एक है रजनीकांत की काला और दूसरी है सलमान खान की रेस 3, जो जून में रिलीज होने वाली है. तो दोस्तों, देखते हैं आने वाले दिनों में इस मूवी से जुड़ी क्या खबर निकल के आती है. और हाँ, हमें एक और बात इस मूवी के लिए ध्यान में रखनी चाहिए. अगर इस फिल्म को एक अच्छा और बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए नॉर्थ इंडियन मार्केट के लिए, तो इस मूवी को साउथ इंडियन मार्केट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा. वैसे मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शन रिपोर्ट बहुत ही अच्छा आया है, पर अब देखने वाली बात यह होगी कि ये मूवी आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करती है. इस प्रेस मीट में उन्होंने इस मूवी के इंटरनेशनल रिलीज का भी जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि जब वो इस फिल्म के गाने आई एम अ लवर आल्सो फाइटर आल्सो सॉन्ग की शूटिंग कर रहे थे अमेरिका में, तब उनकी मुलाकात एक डिस्ट्रीब्यूटर से हुई जिसने दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्मों को चाइना में रिलीज करवाया है. तो उन्होंने फिर इस मूवी के कुछ सीन्स को देखा और उन्होंने श्रीधर यानी इस मूवी के प्रोड्यूसर से इस फिल्म के राइट्स को खरीदने की भी बात की है. तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि ये फिल्म इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज होती है या नहीं. अगर होती भी है तो इसे एटलीस्ट एक साल के आसपास का समय लग जाएगा. फिलहाल तो हमें इंतजार है इस मूवी के हिंदी रिलीज का. अभी तक की जो खबर है वो ये है कि इस मूवी की हिंदी डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है. तो दोस्तों, यहीं तक था आज का हमारा वीडियो. उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा. मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.